आज संपर्चक प्रखंड कार्यालय के परिसर में आरटीपीएस काउंटर के ऊपर नवनिर्मित भवन में पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं संपर्चक प्रखंड प्रमुख संजू देवी द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि संपर्चक रजिस्ट्री ऑफिस खुल जाने से संपर्चक नगर परिषद क्षेत्र एवं पंचायत वासियों को रजिस्ट्री के लिए फुलवारी जाना पड़ता था एवं काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इसी कारण बिहार सरकार के निर्देशानुसार संपर्चक प्रखंड एवं पुनपुन प्रखंड के पूर्वी भाग को संपर्चक प्रखंड में रजिस्ट्री ऑफिस खोला गया है। अब यहां के लोगों को काफी फायदा होगा। साथ में पार्किंग को लेकर बोले कि जल्द ही रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में खाली जमीन में किया जाएगा। वहीं उपस्थित संपर्चक रजिस्ट्री ऑफिस के रजिस्ट्रार आशीष अग्रवाल ने कहा कि संपर्चक अंचल के सभी राजस्व ग्रामों के साथ साथ पुनपुन अंचल के 40 राजस्व ग्रामों का निबंधन भी इसी निबंधन कार्यालय से किया जाएगा। वहीं संपर्चक प्रखंड के उप प्रमुख मनोरंजन कुमार ने कहा कि संपर्चक प्रखंड के लोगों के लिए रजिस्ट्री ऑफिस खुल जाने से यहां के लोग में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं समाज सेवी नागेंद्र यादव ने कहा कि यहां रजिस्ट्री ऑफिस खुल जाने से हम लोग काफी खुश हैं। पहले हम लोगों को रजिस्ट्री के लिए फुलवारी जाना पड़ता था, अब संपर्चक में ही सब कुछ मिल जाएगा। ऑफिस का ओपन किया गया सर, क्या करना चाहिए? ये संपर्चक अवर निबंधन कार्यालय है और सरकार के निर्णय के अनुसार यहाँ संपर्चक में नया कार्यालय खुला है। पहले यहाँ का सबकी रजिस्ट्री जो है वो फुलवारी शरीफ में होती थी और अभी यहाँ कार्यालय खुल जाने से तो संपर्चक के जितने लोग हैं पूरे प्रखंड के नगर क्षेत्र के सबका यहाँ हो जाएगा। प्लस पुनपुन का भी जो रेलवे लाइन के इधर वाला एरिया है लगभग 40 राजस्व ग्राम लोगों का, उसका भी यहीं होगा। बाकी शेष पुनपुन का जो रेलवे लाइन के दूसरे साइड वाले लोग हैं उनका फुलवारी शरीर नज़दीक पड़ता है तो फुलवारी शरीर लगभग कितना ग्राम होगा सर यहाँ पे? तो यहाँ लगभग 40 ग्राम उसका हो गया है पुनपुन का और इसका संपर्चक का सभी पंचायत सभी गांव और सभी जो नगर क्षेत्र है ये सब मिलाकर लगभग 8,000 रजिस्ट्री पर ईयर इस क्षेत्र से होती थी जो पहले फुलवारी शरीफ में होती थी। तो वो 8,000 जो निबंधन होता था अब यहाँ होगा और जो लोग हैं उनको नज़दीक सुविधा मिलेगी अपने बिल्कुल मुख्यालय में, तो इसके लिए खोला गया है और पूरा तैयारी के साथ खोला गया है। अब आज से ही यहाँ निबंधन काम शुरू हो। पार्किंग की भी सुविधा है सर कुछ? हाँ, पार्किंग की सुविधा के लिए हम लोगों ने देखा है बगल में जमीन है, सरकारी जमीन है, लोगों ने बताया है तो उसको हम लोग डेवलप करेंगे और बहुत जल्दी पार्किंग की सुविधा भी वहाँ हो जाएगी प्रखंड के लिए भी और प्लस इस कार्यालय के लिए भी। शुभारंभ के दिन को रजिस्ट्री भी हुआ है क्या सर? हाँ, वही दो रजिस्ट्री कर रहे हैं जिसका निबंधन प्रोसेस में लोग कराएंगे और फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। टाइमिंग भी कुछ है क्या? टाइम जो ऑफिस का सर समय रहता है वही रजिस्ट्री ऑफिस के लिए भी रहता है। आज संपर्चक प्रखंड कार्यालय में रजिस्ट्री ऑफिस का शुभारंभ किया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज संपर्चक प्रखंड में रजिस्ट्री ऑफिस का शुभारंभ माननीय प्रमुख जी के अध्यक्षता में की गई। इसमें डीएम साहब खुद उपस्थित थे, इन्हीं के द्वारा फीता भी काटा गया और इससे काफ़ी पब्लिक लोग को फायदा होगा। जैसे पहले जो था वो कहीं फुलवाड़ी शरीफ और कलेक्ट्री में जाकर लोग परेशान होते थे, उससे संपर्चक के लगभग 40 गाँव के क्षेत्रों पर इस क्षेत्र के 40 गाँव को बहुत ही फायदा मिलेगा ये रजिस्ट्री ऑफिस खुलने से। यहाँ पर यहाँ सिर्फ संपर्चक प्रखंड का ही है कि संपर्चक ब्लॉक में रजिस्ट्री ऑफिस का शुभारंभ किया गया, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं प्रशासन को और बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता को जो समस्या था वो दूर जाना पड़ता था, इसीलिए यहाँ जो ऑफिस खुला इसके लिए मैं पूरे प्रशासन को और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। लगभग कितना ग्राम होगा संपर्चक में? यहाँ संपर्चक ब्लॉक का और पुनपुन का पार्क का यहाँ रजिस्ट्री होगा। पार्किंग के लिए क्या है? पार्किंग के लिए डीएम साहब को हम लोगों ने दिखाए हैं जमीन, उसमें बोले हैं कि हम पार्किंग बनवा। क्या लगता है पहले जो समस्या होती थी संपर्चक से लोगों को जाना पड़ता था फुलवारी, अब नहीं जाना पड़ेगा और समस्या कुछ? हाँ, समस्या का समाधान हुआ, सारा सुविधा यहाँ पर मिलेगा लोगों को, इसलिए यहाँ पर पीसफुल जगह है। यहाँ सबसे बड़ी पीसफुल जगह है, इसी तरह का बगल में थाना है, ब्लॉक है, रजिस्ट्री ऑफिस है, एक जगह हो गया, इसलिए लोगों को सुविधा मिली। क्या नाम हुआ? नागेंद्र प्रसाद सिंह। क्या हुआ? समाज सेवा। इसका शुभारंभ किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? संपर्चक रजिस्ट्री ऑफिस का शुभारंभ आज के दिन किया गया है, जिसमें इस संपर्चक रजिस्ट्री ऑफिस में पूरा संपर्चक अंचल और साथ साथ पुनपुन के जो रेलवे लाइन है उसका पूर्वी भाग, उसमें लगभग 40-40 गाँव और संपर्चक का पूरा अंचल में लगभग 40 गाँव सबकी रजिस्ट्री होगी। पूरे साल में लगभग 8,000 रजिस्ट्री की संभावना है राष्ट्रीय अधिवेशन के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात कि संपर्चक अंचल में रजिस्ट्री ऑफिस खुलने की वजह से यहाँ के लोगों को फुलवारी शरीफ में जाना पड़ेगा, पुनपुन वगैरह सौड़ी में जो पुनपुन की रजिस्ट्री होती थी वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं, तो इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी
ज़्यादा सुविधा है। इसका क्या सुविधा के बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर सुविधा के नाम पर देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ सबसे पहले पब्लिक मीटिंग हॉल अलग से बना।